बातें ही हुई हैं अभी तक, काम नहीं हुआ कश्मीर पे। इमरान खान की हुकूमत ने तो सारा तबाही कर दिया, कश्मीर का सिस्टम ही सारा तबाह किया हुआ। उसने क्या करना, वो अपने खजाने भरी जा रहा है। जिस तरह एक नासिस हिटलर ने किया था, ठीक है, सेम लाइक दैट इन कश्मीर जो है उसने मोदी ने किया है मुस्लिम्स के साथ। गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया है कि कश्मीर कम से कम आपका मेन स्ट्रीम के अंदर एक इशू तो आया ना बन के। मतलब मुस्लिम को सबको एक पेज पे आना चाहिए, ठीक है, एक पेज पे हम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सलीम नवाज और मेरे साथ मौजूद है फैसल यहया। आप देख रहे हैं डेली न्यूज। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने मकबूज़ा कश्मीर की जो खसूसी हैसियत थी उसको गैर कानूनी, गैर आइनी और नाजायज़ तरीके से ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद दुनिया भर में एक एहतजाज बरपा हुआ था। कश्मीरियों के ऊपर एक सख्त तरीन लॉकडाउन, बल्कि लॉकडाउन नहीं इसको कह सकते आप, इसको कह सकते हैं कि कर्फ्यू नाफिज़ कर दिया गया था, उनको घरों में बंद कर दिया गया था। बहुत से कश्मीरियों को अगवा किया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और बहुत सारे ऐसे मामलात हुए थे जो यहाँ पर बयान नहीं किए जा सकते। जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान यूनाइटेड नेशन की असम्बली में गए, वहाँ पर उन्होंने ख़ताब किया और इस फैसले को, इस मसले को वहाँ पर उजागर किया। इसी हवाले से आज मुल्क भर में योम इस्तेहसाल बनाया गया। वज़ीर आज़म ख़ुद आज़ाद कश्मीर गए और आज़ाद कश्मीर की असम्बली से उन्होंने ख़ताब भी किया। इसके अलावा मुख्तलिफ तकरीबात मुल्क भर में मुनक़द की गई। मैंने और फैसल ने सोचा है कि इस हवाले से हम लाहौर के अवाम से बात करेंगे कि क्या वो इससे मुतल्लिक कोई मालूमात रखते हैं, क्या वो इस दिन को याद रखा हुआ है उन्होंने या भूल चुके हैं। तो हम बाहर चलते हैं लोगों के पास, लोगों से जानते हैं कि क्या वाकई उनको कुछ पता है इस बारे में या नहीं पता। 5 अगस्त 2019 पिछले साल एक वाकया हुआ था बहुत बड़ा, जिसको एक साल आज मुकम्मल हो गया। थोड़ी मालूमात है आपको इस बारे में? कैसी, किस में? पिछले साल 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में कर्फ्यू लगाया गया था, आज एक साल मुकम्मल हो गया। आपको याद है या भूल गए हो कश्मीर को? नहीं, बात को भूल गया, कश्मीर को नहीं भूला। कश्मीर को नहीं भूला, बात भूल गया। हाँ, अब ये बताएं कि यार कश्मीर के ऊपर इमरान खान की पॉलिसी बेहतर है या उससे पहले की जो हुकूमतें थी उनकी बेहतर है? जो पहले था वो बेहतर था। नहीं, इमरान खान की बेहतर। आप क्या कहते हैं? इमरान खान सिर्फ कश्मीर के मामले में। अच्छा, कैसे? वो यूएन का खिताब कह रहे हैं आप? बिल्कुल, आज तक किसी लीडर ने किया ऐसा? कोई ऐसा लीडर नहीं है। जो भी हमारा लीडर गया, पर्ची पकड़ के बैठ जाता, उसको पढ़ के सुना देता। उसने निडर होकर हर चीज़ बोली वहाँ पे। और आज जो ये मैप वाला काम हुआ है, पूरी दुनिया में पूरे हर ममालिक वो मैप का अपना अपना मैप बना रहे हैं, किसी ने नहीं किया हमारे, किसी हुकूमत में नहीं किया। आज जो है वो इमरान खान ने किया उसको। आपको नाराजगी इमरान खान की पॉलिसी से कश्मीर के ऊपर क्यों है? बात ही हुई है अभी तक। अच्छा, बातें ही हुई हैं अभी तक, काम नहीं हुआ कश्मीर पे। हाँ जी, जो कश्मीर के कर्फ्यू के हवाले से कहा जाता है कि ये बेच दिया गया है, ये कॉन्सेप्ट ठीक है या गलत है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 5 अगस्त 2019 को एक बहुत अहम इंसिडेंट हुआ था, एक साल मुकम्मल होने वाला, याद है कुछ है। क्या हुआ था? कश्मीर पे इंडिया ने कब्जा कर लिया था अपना, उनका सारा सिस्टम अपने कंट्रोल में कर लिया, उसी हैसियत जो खत्म कर दी ऐसे ही। अच्छा उस्मान भाई, ये बताएं मुझे कि कश्मीर के पॉलिसी के ऊपर इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ बेहतर है, उनकी हुकूमत बेहतर है या इससे पहले की जो हुकूमतें थी उनमें बेहतरी थी? इमरान खान की हुकूमत ने तो सारा तबाही कर दिया, कश्मीर का सिस्टम ही सारा तबाह किया हुआ है पहली हुकूमतों में, फिर कभी ऐसे नहीं था। अब एक साल से कश्मीर बंद है, बिल्कुल बंद, और हम लोगों को क्या एहसास ही नहीं है। 5 अगस्त 2019 को एक वाकया हुआ था पिछले साल, आपको कुछ याद है इस हवाले से? बिल्कुल नहीं याद, बिल्कुल नहीं याद। मैं थोड़ा बता दूं आपको, 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के अंदर एक कर्फ्यू लगाया गया था बहुत सख्त तरीन, बदतरीन, जो अभी तक लगा हुआ है। उस हवाले से अब याद आया कुछ आपको? जी जी, कर्फ्यू लगा था। 5 अगस्त 2019 को पिछले साल एक वाकया हुआ था, एक साल पूरा हो गया, आपको इस बारे में कोई मालूमात है? जी मैं कुछ मालूम नहीं, थोड़ी जी कोई हिंट, कुछ नहीं पता। कश्मीर दे विच कर्फ्यू लग गया सी, ओदा भी कुछ पता नहीं, ओदा भी नहीं पता। तो पता है भाई? नहीं भाई, नहीं पता। इधर आओ। 5 अगस्त 2019 को एक वाकया हुआ था बहुत बड़ा, एक साल पूरा हो गया, उस बारे में कुछ पता है आपको? नहीं। कश्मीर में कर्फ्यू लगा था वो याद है? अभी तक लगा हुआ है? लगा हुआ। तो यार ये बताओ, इमरान खान कश्मीर के हवाले से कुछ अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? उसने क्या करना, वो अपने खजाने भरी जा रहा है। अच्छा, कश्मीर के वाले से कुछ नहीं कर रहा? नहीं, वो अपने खजाने भर रहा है, उसने क्या करना है, वो कौम का कुछ सोचता ही नहीं है। अच्छा, तो नवाज शरीफ जो है वो कैसा है? वो ठीक है? वो ठीक है, पक्का पक्का।
तो उसने कश्मीर के हवाले से कुछ किया था? तो कहाँ पर कलफुल लगा था तब? लगा था? नहीं लगा था। आप कहते हैं इमरान खान आया तो गलत पॉलिसीज की वजह से कर्फ्यू लगा है? जी लगा। अच्छा, ये कहते हैं कि कश्मीर बेच दिया गया, ये बात ठीक है गलत है? गलत है। ये गलत है ना, इस तरह नहीं कहना चाहिए। जी नहीं। आज 5 अगस्त है तो इस हवाले से क्या कश्मीर पे हुआ था? इस हवाले से बेसिकली मुझे जो आइडिया है 5 फरवरी का ही है, यकजहती कश्मीर। सर 5 अगस्त को क्या हुआ? 5 अगस्त को जहन में नहीं है, वो आप गाइड। 5 अगस्त को कश्मीर पे कर्फ्यू लगा था मोदी सरकार ने? कर्फ्यू लगाया था 5 अगस्त को, जो कर्फ्यू लगा था, ठीक है, वो दुनिया की जो आप कह लें कि जिस तरह एक नासिस हिटलर ने किया था, ठीक है, सेम लाइक दैट इन कश्मीर जो है उसने मोदी ने किया है मुस्लिम्स के साथ, ठीक है, उनको बंद रखा है पूरा 1 साल हो गया है। इससे पहले किस गवर्नमेंट की पॉलिसी बेहतर थी आपकी नज़र में? मेरी नज़र में तो नून लीग की पॉलिसी बेहतर थी कश्मीर के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से। अच्छा, ये कहा जाता है कि कश्मीर बेच दिया गया खुदा ना खास्ता, आपकी नज़र में ये बयानियां दुरुस्त? जब एक चीज हर चीज में चुप, अब उनको हर चीज में फैसिलिटी, जैसे उनका एक हमने वो फौजी पकड़ा तो एक दिन भी उसका अपने पास नहीं रख सके, साथ ही हमने अगले दिन उसको कपड़े डलवा के अच्छी तरह चाय पला पलू के बेच दिया। तो और फिर अब ये दूसरा आ गया इसका मामला, जो अपना जिसको फांसी हुई है, अब उसके मामले में भी ढील, या तो उसको लटका देते, अब कुलभूषण की बात कर रहे हैं, कुलभूषण को लटका देते सड़क पे, कि एक गद्दार है जो माने हुए गद्दार है, मुंह से करार किया उसको लटकाओ फिर सड़क पे, किस लिए रखा हुआ, किस लिए उसको इतनी दे रहे हैं फैसिलिटीज। पिछले साल 5 अगस्त 2019 को एक वाकया हुआ था, 1 साल मुकम्मल हो चुका है, आपको इस बारे में कुछ याद है? नहीं सॉरी, कश्मीर में लॉकडाउन लगा था, कर्फ्यू लगा था, वो तो एक साल मुकम्मल हो गया इस चीज को। इस हवाले से मैंने आपसे पूछना था, इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज बेहतर है या इससे पिछली गवर्नमेंट की जो कश्मीर के हवाले से थी? जो तो फिलहाल नज़र आ रहा है वो तो बेहतरीन नहीं नज़र आ रही, वो तो आपको भी नज़र आ रही है, मुझे तो नहीं नज़र आ रही कुछ भी। आपको पता जो हालात जा रहे हैं मुल्क के इस वक्त, वो तो मुल्क के हालात एक तरफ, दूसरी तरफ कश्मीर की पॉलिसी, वो आप क्या समझते हैं इस हुकूमत की अच्छी है या इससे पिछली हुकूमत की? जो अब जो लॉकडाउन ख़त्म होगा, हमारे सुनने में तो ये भी आ रहा है तो इस हुकूमत ने जो कश्मीर जो है वो दे चुके हैं, ये भी सुनने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, ठीक है। नहीं वो अभी रात को ही हम सुन रहे थे सोशल मीडिया पे, जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा जहाँ तो फाटा देंगे तो जहाँ कश्मीर देंगे। ये गवर्नमेंट ठीक कर रही है या इससे पिछली गवर्नमेंट थी वो काम कर रही थी कश्मीर के लिए? कश्मीर के लिए भाई जो पिछली गवर्नमेंट थी वो भी ठीक थी, ये भी गवर्नमेंट ठीक है, पर कोशिश तो हाँ जी कोशिश तो दोनों कर रहे हैं। हाँ जी, बाकी अल्लाह वार से सारे मुसलमान इकट्ठे होके जब कुछ करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा। आप समझते हैं सारे इस्लामी मालिक इकट्ठे हो जाए, सारे मुल्क इकट्ठे हो गए इस्लामी मालिक, फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा जी। अब कश्मीर का मामला हुआ कोई बोलते ही नहीं, 1 साल हो गया, क्या अब हमने एटम बम किस लिए रखा हुआ है? तो वो जो तकरीर की थी यूएन में यूएन की तकरीरें जो है ये सिर्फ पीटीआई के सपोर्टरों को सुनाने के लिए तकरीरें हैं, ये करना जो का कुछ भी नहीं, बात तकरीरें करा लो जितनी मर्जी करा लो। कश्मीर के मामले में आज जो 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था? आज 5 अगस्त को इंडिया ने पूरे कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगाया था और दुनिया का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा एक सीरियस इशू है जो इंटरनेशनल मीडिया इसको हाईलाइट नहीं कर रहा। देखें कि हज़ारों लोग हैं जो अपने घरों में मैसूर हुए हुए और उनको बेसिक जो ह्यूमन नेसेसिटी है, इवन वाटर सप्लाई, फूड सप्लाई और ये और बच्चों की एजुकेशन, ये सारे पूरे तरीके से डिस्टर्ब हुआ हुआ है, तो एक किस्म की आप कह लेंगे उनको जेल हुई हुई है। पॉलिसी किसकी बेहतर थी, नवाज शरीफ की या इमरान खान की या आसिफ अली जरदारी साहब की? पॉलिसी सब अपने माइंड के हिसाब से लेके चल रहे हैं, जिसको जिस तरह का समझ लगता है, जैसे समझ आ रही है वो वैसे चल रहा है उस तरह से। गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया है कि कश्मीर कम से कम आपका मेन स्ट्रीम के अंदर एक इशू तो आया ना बन के। कश्मीरी जो हैं वो हमारे भाई हैं, खून का रिश्ता है हमारे साथ, ठीक है, और इंशाल्लाह हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, ठीक है, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, ठीक है, और एक दिन आएगा ज़रूर इंशाल्लाह कि कश्मीर जो है ना वो पाकिस्तान बनेगा। पिछली जो हुकूमत थी नवाज़ गवर्नमेंट, उससे पहले जरदारी की गवर्नमेंट, फिर मुशर्रफ की गवर्नमेंट, उससे पहले उनकी पॉलिसीज आप समझते हैं इससे कुछ बेहतर थी? इससे बेहतर थी वो, फिलहाल बेहतर थी वो, ठीक है। नहीं आवाज़ तो हर हुकूमत में आई है कश्मीर के लिए, देखिए कश्मीरी हमारे भाई हैं, कश्मीरी नहीं हमारे लिए मुसलमान जितने भी हैं ना वो सब हमारे भाई हैं, ठीक है,
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा हमें उम्मत मुस्लिम को सबको एक पेज पे आना चाहिए, एक पेज पे हम नहीं है। जी तो नाज़रीन, मैंने और फैसल ने तकरीबन 8 से 10 लोगों से बात की, आप लोगों ने उनकी बात सुनी और हमने उनसे यही पूछा कि 5 अगस्त को क्या हुआ था ऐसा कोई ख़ास दिन, लेकिन उनको तकरीबन 80% लोगों को नहीं पता इस हवाले से। बहरहाल आज पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल मनाया गया, 5 अगस्त 2019 को मोदी की हकूमत ने मकबूज़ा कश्मीर के ऊपर गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर कब्ज़ा किया था। वैसे कब्ज़ा तो पहले का ही था, एक आर्टिकल 370 और इसके अलावा 35A, इन दोनों को वहाँ से ख़त्म कर दिया गया था। हमने लोगों से बात की, लोगों को इस बारे में 80% लोगों को नहीं पता था। दूसरी बात, हमने ये पूछा उनसे कि इमरान खान की गवर्नमेंट की पॉलिसी बेहतर है कश्मीर के हवाले से या इससे पहले की हुकूमतें हैं, तो आप लोगों ने उनकी राय जान ली है, उन्होंने क्या कहा इस बारे में। और एक और सवाल जो आम तौर पर लोगों में हर जगह गर्दिश कर रहा होता सोशल मीडिया पर कि जनाब इमरान खान की हुकूमत ने कश्मीर का सौदा कर दिया है, तो 100% लोगों ने ये कहा है कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बात सरासर गलत है। आपकी इससे मुतल्लिक क्या राय है, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और फैसल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।